नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप CGPSC व्यापम या अन्य छत्तीसगढ़ की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ की योजनाएं। दोस्तों, यह हमारा भाग दो है। यदि आपने अभी तक हमारा भाग एक नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हमारे जितने नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान NRLM, दोस्तों इसका प्रारंभ जो है 1 अप्रैल 2013 को किया गया था। वित्त पोषण देखा जाए तो केंद्र तथा राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में होता है, और इसका उद्देश्य है दोस्तों विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी को दूर करना। इसके बाद है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामस्था। दोस्तों, इंदिरा आवास योजना के स्थान पर दिनांक 1/4/2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। दोस्तों, वर्ष 2016-17 में SECC डाटा 2011 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है। दोस्तों, न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में ही आवास का निर्माण किया जाना है, और इस योजना के अंतर्गत राशि का अनुपात जो है 60:40 निर्धारित है। सामान्य जिले के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि रुपये 1,47,000 एवं IAP जिलों के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि 1,57,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद है दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका प्रारंभ दोस्तों 25 दिसंबर 2000 को किया गया था, और इसका उद्देश्य था प्रत्येक गांव को 12 मासी सड़कों से जोड़ना। इसमें प्रावधान है सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं IAP जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बासाहटों को अच्छी 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाना है। दोस्तों, इसके बाद है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। इसका प्रारंभ दोस्तों 23 अप्रैल 2011 से किया गया है। इसके बाद है प्रधानमंत्री जनधन योजना, शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो PMJDY के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका प्रारंभ दोस्तों 28 अगस्त 2014 को किया गया है। इसमें अभी तक 1.22 करोड़ जो है खाते खोले जा गए हैं दिनांक 8/2/2017 की स्थिति में। दोस्तों, 99.96% परिवार जो है इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। इसके बाद है दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का राज्य में शुभारंभ। दोस्तों, डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया है। इसके बाद है दोस्तों छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा और पारी। दोस्तों, आप सभी जो है इनसे परिचित ही होंगे। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र का विकास उसकी भूगोल अर्थव्यवस्था के साथ साथ निवासियों की मनोवृत्ति से जोड़ता है। इसी क्रम में नवगठित छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया है, जिसे वर्तमान में मुख्यमंत्री ने नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी की संज्ञा दी है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण परिवेश के चिन्हित क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में कितना बेहतर साबित होंगे, इसे समझने के लिए हमें सर्वप्रथम इसके मूल अर्थ को समझना होगा। तो पहले दोस्तों देखते हैं नरवा। नरवा मुख्यतः ग्रामीण इलाके के बाहरी हिस्से में दो मेड़ों के मध्य गहरे जलप्रपात के क्षेत्र होते हैं। यह ग्रामीण स्तर पर सीमित सिंचाई के साधन, जानवरों के लिए पेयजल प्रदान करने, पौधारोपण करने, पर्यावरण संतुलन तथा अन्य ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी भूमिका निभाते हैं। सरकार का ध्येय है कि ग्रामीण परिवेश में इन नरवा क्षेत्रों को विस्तारित किया जाए, जिससे जल प्रवाह नियमित रूप से बना रहे। इसके साथ ही दोस्तों इसका अन्य उद्देश्य है
कि नरवा के जल प्रवाह क्षेत्र के मध्य में आई बाधाओं को दूर करना है ताकि इसका ग्रामीण द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं गरवा। गरवा से आशा है राज्य के लोगों द्वारा अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए पशु जानवरों को पालना, जिसमें मुख्यतः इन जानवरों के स्वास्थ्य सुधार कर प्रत्येक गांव में गोठान को घेरकर उसे पशुओं को डे केयर की तरह विकसित किया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों घुरवा। ग्रामीण परिवेश में घुरवा एक प्रसिद्ध नाम है जिसे सभी जानते हैं। मुख्यतः इसमें ग्रामीण क्षेत्र में घरों के पीछे पशु जानवरों के गोबर मलमूत्रों कुछ घरेलू वस्तुओं को गोलाकार गड्ढे नुमा स्थान पर एकत्रित किया जाता है, जिसे घुरवा कहते हैं। दोस्तों इस योजना के माध्यम से घुरवा को विशेष रूप से विकसित करने की योजना है, जहां जानवरों के गोबर व मलमूत्र को बायोगैस व जैविक खाद के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं बारी। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पीछे के अतिरिक्त स्थानों को बारी के रूप में जाना जाता है, जिसमें संबंधित घर के सदस्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे उपयोग में लाया जाता है। मुख्यतः सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन या किसानों के कृषि उपकरणों को रखने इत्यादि का कार्य किया जाता है। थैंक यू दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।